चलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हम समझते हैं कि आप लोग घर पर अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम लोग प्रत्येक दिन क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे घर पर। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से पढ़िए। चले, आज हमने शुरुआत की है क्लास 10th का मैथ का वास्तविक संख्या से, जो आप लोग परिचित हैं पहले से। अब हम हर चैप्टर को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है वास्तविक संख्या, पहली चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। हम प्रत्येक दिन छोटी छोटी क्लासें लेंगे और आशा करते हैं कि कुछ दिनों में, 2 से 3 मंथ में, ये तो आपका पूरा चैप्टर, पूरी बुक खत्म होगी, बहुत अच्छी तरह से खत्म होगी। तो चले, आपका एक बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप लोग घर पर हैं और सेफ हैं। चलिए, हम लोग वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में, या वास्तविक संख्या का एक भाग होती है। तो देखते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, यह संख्या वास्तव में दो तरह की होती है। संख्या को, जो संख्या होती है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक है वास्तविक संख्या और एक है काल्पनिक संख्या। संख्या को दो कैटेगरी में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या होती है। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं, और अगर वह संख्या धनात्मक होती है तो वह वास्तविक संख्या होती है। अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए और अगर हमें वह संख्या ऋणात्मक रूप से मिलती है, निगेटिव मिलती है, तो वह काल्पनिक संख्या होती है। जैसे देखते हैं, इसे मान लेते हैं कि हम ए है, 2 है, √2 एक संख्या है। √2 को वर्ग करते हैं, √2 को अगर वर्ग करते हैं तो क्या मिलती है? 2 मिलती है। 2 धनात्मक संख्या है, इसलिए √2 भी एक वास्तविक संख्या है। अगर 1 को हम वर्ग करते हैं, 1 को वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। इसका मतलब यह धन क्या है? धनात्मक। यह जो है संख्या क्या है? धनात्मक है, इसलिए यह 1 क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर इस संख्या को हम वर्ग करते हैं, इस संख्या ले ले, -1 का रूट ले ले, -1 का रूट को हम अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? रूट हट जाता है और 1 मिलता है। रूट हट जाता है और 1 मिलता है, इसका मतलब 1, लेकिन 1 नहीं मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। इसका मतलब -1 निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो ये यह संख्या क्या हुई? काल्पनिक संख्या हुई। ये कौन संख्या हुई? काल्पनिक संख्या हुई। चलिए, अब इसको विस्तार से देखते हैं, ये संख्या होती क्या है। चलिए, आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, इसको मिटा देते हैं। वास्तविक संख्या जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो,
जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, टू है, टू को वर्ग कर दिए, क्या मिला? फोर। फोर कौन संख्या है, प्लस में है कि माइनस में है? तो प्लस में है, तो ये कौन संख्या होगी? दो कौन संख्या होगी? टू, ये वास्तविक संख्या हो गई। अगर हम थ्री लेते हैं और थ्री का वर्ग करते हैं, क्या मिलता है? नाइन मिलता है। तो नाइन क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो थ्री कौन संख्या होगी? वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि हमें नाइन मिला पॉजिटिव, धनात्मक के रूप में मिला, इसलिए थ्री कौन संख्या होगी? वास्तविक संख्या हो गई। अगर हम माइनस थ्री ही लेते हैं, इसे भी वर्ग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? थ्री मिलता है, क्या मिलता है? नाइन मिलता है, जो एक धनात्मक संख्या मिलता है। इसका मतलब माइनस थ्री भी एक कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो हमने देखा क्या कि अगर किसी संख्या का वर्ग कर दे और वह हमें धनात्मक हो जाए, पॉजिटिव मिले, तो वह संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे देखते हैं अब इसको एग्जाम्पल में है, माइनस वन, जीरो, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये जितनी भी संख्या मिलेगी हमें क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। ये सब संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब चलते हैं काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक संख्या, बस वैसा ही परिभाषा है, थोड़ा सा चेंज है। जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे माइनस वन का रूट करते हैं, माइनस वन का रूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस वन का रूट करते हैं तो रूट तो हट जाएगा, हमें माइनस वन मिलेगा। और माइनस वन क्या है? ऋणात्मक संख्या। माइनस वन क्या है? ऋणात्मक संख्या है। इसलिए अगर माइनस वन का रूट हमें मिलता है कहीं, तो अब कौन सी संख्या हो गई? ऋणात्मक संख्या। तो माइनस वन का रूट ऋणात्मक संख्या है, माइनस टू का रूट भी ऋणात्मक संख्या है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। ये सब संख्या जो मिलती है, ये सब कौन सी संख्या मिलती है? काल्पनिक संख्या मिलती है। ये सब काल्पनिक संख्या है, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे आगे की क्लास में, इलेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। इसमें जो कुछ कंफ्यूजन होती है संख्या के बारे में, पहले हम उसको कंफ्यूजन को दूर करेंगे। क्या देखेंगे, जैसे देख लिए इसमें इस जो सर्किल है, एक वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त के अंदर जितने भी प्राकृतिक संख्या होगी उसे लिखेंगे। एन हो गया, एन फॉर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वन टू थ्री फोर डॉट डॉट यानी गिनती की जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें हम इस बाउंड्री में के अंदर रखेंगे, इससे हम अगर इसमें हम जीरो को मिला दें, इस तरह हम जीरो मिला दें, इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दें तो ये कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दिया जाए तो कौन संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। और जब पूर्ण संख्या में क्या मिला दें, पूर्ण संख्या में हम मिला दें माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन यानी कि ऋणात्मक संख्या मिला दें, पूर्ण संख्या में कौन संख्या मिला दें, ऋणात्मक संख्या, तो पूरी संख्या जो बनती है एक धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्या, ए ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों संख्याओं का जो हमें मिश्रण मिलता है वह क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है जिसे हम इंटीजर कहते हैं। आई से सूचित करेंगे इसको, इसे जेड से भी सूचित किया जाता है, इसका क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या की संख्या क्या बोलेंगे, यानी कि माइनस फोर माइनस थ्री और भी आगे बढ़ते जाएंगे, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ये सब संख्या कौन सी है, और जीरो और वन टू थ्री फोर, ये टोटल जो संख्या दिख रही है ना, ये सब कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन हो गई, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या हो गया वन टू थ्री फोर, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या जीरो मिला दे तो पूर्ण संख्या हो गया, जीरो मिला दे तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या कौन हो गई जिसमें ऋणात्मक संख्या भी मिला दे, यानी कि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये सब कौन संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अगर इस संख्या में क्या मिला दे, वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर मिला दे, अगर इस संख्या के साथ क्या मिला दे, वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर भिन्न के रूप में कोई संख्या मिला दे तो क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। ये कौन संख्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और ये सब जो भिन्न के रूप में जो संख्या है, ये सभी संख्याओं को मिला दे तो हमें क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है।
क्या मिलती है? परिमेय संख्या मिलती है। तो परिमेय संख्या क्या क्या मिलेगी? वन बाय टू, वन बाय थ्री, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, ये सब जो संख्या मिलेगी हमें क्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम समझते हैं कि आपको पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या क्या है। हम लोग नीचे क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, इसे आप में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम लोग थोड़ा सा याद करने के लिए देख लिए कि हमें आगे चल के थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि परिमेय संख्या कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन है, पूर्ण संख्या कौन है, वास्तविक संख्या कौन है, ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो प्राकृतिक संख्या इसे हम गिन सकते हैं, गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसमें जीरो मिला दिया पूर्ण संख्या हो गया, और जिसमें निगेटिव संख्या मिला दिया तो पूरी संख्या, यहाँ ये सब जो दिख रही है ना, ये सब क्या हो गई? यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ये मिश्रण को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या जिसमें सभी को मिला दिया जाए, ये चारों को आपस में मिला दिया जाए तो बनती है पूर्ण परिमेय संख्या बनती है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये सब कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या को दो हिस्से में बांटते हैं, एक हो गया परिमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखेंगे परिमेय संख्या क्या है। हम लोग इसको बारे में 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसे। वैसी संख्या जिसे a बाय b के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे a बाय बी के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन b नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए। a बाय बी के रूप में लिख सकते हैं लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। अगर हमें वास्तविक संख्या के रूप में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि वास्तविक संख्या के कौन कौन से गुण होते हैं। वास्तविक संख्या के कौन कौन से गुण होता है? पहला, वह संख्या a बाय b के रूप में होगा, फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन बी उसका जीरो नहीं हो, बी उसका जीरो नहीं होगा, और थर्ड हो गया कि ए और बी का वन के सिवा कोई फैक्टर नहीं होगा, वन के सिवा किसी से विभाजित ना हो, ए और बी वन के सिवा किसी से विभाजित ना हो। अगर कोई संख्या इस तीन तीन बातों का पालन करती है तो हम समझेंगे कि वह वास्तविक संख्या है, अगर किसी एक का पालन नहीं करती है तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगर ए बाई बी के रूप में हो, ठीक है, जैसे अगर देख लेते हैं 12/10 इस संख्या को देखें, यह संख्या 12/10, यह संख्या ए बाई बी के रूप में भी है, सही है। दूसरी यहाँ बी जीरो भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसे क्या करेंगे, 6/5 लिखेंगे, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तब ये सिंपलेस्ट 6/5 जो है यह परिमेय संख्या है, नहीं तो ये भिन्न के रूप में रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर अधिकांश देखा जाता है, अगर किसी पूछा जाता है कि चलिए बताइए 12/10 वास्तविक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बोल देते कि हाँ है, नहीं एक भिन्न है, वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या सॉरी परिमेय संख्या कौन है, ये भिन्न है परिमेय संख्या नहीं है। जब तक उसको सरलतम रूप में नहीं लिखा जाए तब तक वह परिमेय संख्या नहीं होती है। तो परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या हो, वह सरलतम रूप में लिखा जाए, वह संख्या किस रूप में लिखा जाए, सरलतम रूप में लिखा जाए बी जीरो ना हो और ए बाय बी अपने सरलतम रूप में हो। ये सरलतम रूप में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए तो समझेंगे कि वह क्या है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, और कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी तक हमने इसको देखा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, 5/3, 6/5, 7/5, 2/9, ये सब कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी अपने परिमेय संख्या का देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे, और बाद में हम लोग चलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे, उसमें एचसीएफ पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कल।